विराट कोहली फैन क्लब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जूनागढ़ फोर्ट भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में है। इस किले को वास तब में चिंतामणि किले और बीकानेर किले बीकानेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ रखा गया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाला परिवार लालगढ़ में स्थानांतरित हुआ था। यह किला राजस्थान के उन प्रमुख किलों में शामिल है जो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बने हैं। वर्तमान बीकानेर शहर किले के आसपास ही विकसित हुआ है। किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करण चंद की निगरानी में किया गया था। राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 AD के बीच बीकानेर पर शासन किया था। किले की दीवारों और खाई का निर्माण कार्य 1589 में शुरू हुआ था और 1594 में पूरा हुआ था। इन्हें शहर के वास्तविक किले के बाहर ही बनाया गया है। सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इन दीवारों और खाई का निर्माण किया गया था। जूनागढ़ किले के शेष भाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बने हुए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ फोर्ट पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया गया था, लेकिन कभी इसे कोई हासिल नहीं कर सका। सिर्फ कामरान मिर्जा ने ही एक दिन के लिए इसे अपने नियंत्रण में रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और इसके बाद बीकानेर पर राव जीत सिंह का शासन था। 5.28 एकड़ के किले के परिसर में महल, मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। यह इमारतें उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। किले के भीतर बने संग्रहालय को जूनागढ़ किला संग्रहालय का नाम दिया गया है, जिसकी स्थापना 1961 में महाराजा डॉ. करनी सिंह ने महाराजा राय सिंह ट्रस्ट के नियंत्रण में की थी। इस संग्रहालय में पशियन और मनुस्मृति, ऐतिहासिक पेंटिंग, ज्वेलरी, शाही वेशभूषा, शाही फरमान, गैलरी, रीति रिवाज और माने जाने वाले भगवान की मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है। इस संग्रहालय में एक शस्त्रागार भी है, जिसमें भूतकालीन युद्धों की यादों को सजोया गया है।